वृंदावन घूमे, बोले लाल पिया का अनुसंधान करना चाहते? बोले हाँ। बोले मैं बता तो दूंगी, लेकिन पहले कान पकड़ लो अपना। बोले कान भी पकड़ू, नाक भी पकड़ू, दर्शन के बिना छटपटा रहा हूं। बोले क्या बात है, तुम ढूंढ क्यों नहीं पाते? बोले कि यहां जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है सब प्रिया ही प्रिया दिखाई पड़ रही हैं, और उसमें मैं पहचान नहीं पा रहा हूं कि इसमें असली प्रिया का स्वरूप कौन सा है। कोई मनगढ़ंत लीला नहीं है ये जिसको हम अपने मन से कर रहे हो। हमारे अंदर इतनी बुद्धि कहां है कि इतनी गहरी वस्तुओं को, ये श्री महाप्रभु जी का पद है कि बन की लीला लाल ही भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही नक्षिक प्रिया जनावे। एक एक पत्ते में, एक एक डाली में, फूल की एक एक पखड़ी में जब श्री प्रिया अपने तेज को, अपने स्वरूप को बिखेर देती हैं, तो लाल जी के लिए ये पहचान मुश्किल पड़ जाती है कि इनका वास्तविक स्वरूप कौन सा है, इनका बिंब कौन सा है, इनका प्रतिबिंब कौन सा है। जब खूब लाल जी को छटा लिया तो बृंदा सखी बोली, बोले हम तो लाल ऐसा समझते थे कि तुम बड़े चतुर हो, बड़े नागर हो, लेकिन आज मालूम पड़ा कि तुम्हारे पास कुछ है नहीं, छोटा काम, छोटी सी बात नहीं पहचान सके। क्या बोले अपने प्रिया को न पहचान सके इतने स्वरूपों में? बोले सबका मुखारविंद देखते चले जाओ। देख लिया। बोले नहीं, मैं जो कह रही हूं अब मेरे कहने से देखो, अभी तक तो अपनी मर्जी से देखा, मैं जो जिस मुखारविंद की बात कर रही हूं वो देखो, आप सबका जितनी भी श्री श्री जी का रूप आपको दिखाई पड़ रहा है सबको देखो और इसमें एक एक अंतर ढूंढो। वे क्या बोले कि जो नेत्र प्रिया जी को देखें वो नेत्र है सखियों का, और जो नेत्र केवल तुमको देखें वो नेत्र है प्रिया का। आंखों से बताया। बोले सखियां तो अपनी स्वामिनी को देखती हैं इसलिए उनके नेत्र तो अहर्निश श्री जी का दर्शन कर रहे हैं, और प्रीतम प्रिया जो है वो अपनी प्रीतम को देखती हैं, उसलिए उनकी जो दृष्टि है वो केवल तुम्हारी हर गतिविधि पर लगी हुई है। अब ये किधर जाता है, उधर किधर जाता है, तुम्हारी चतुराई के आड़ में छिपी हुई जो तुम्हारा भोलापन है उसको देख रही हैं, हंस रही हैं, खिलखिला रही हैं, मनोरंजन कर रही हैं। जाकर सारा जब नजर में दृष्टि पड़ी, देखा कि दो एक जोड़ी नेत्र लाल जी के ऊपर टिके हुए हैं, दौड़कर गए, दौड़कर जाकर श्री प्रिया चरणारविंद में अपने मस्तक को झुकाकर प्रणाम करके खड़े हो गए। बोले महाराज, मैं आपके को मैं कोई पार इसका नहीं पा सकता। हमको तो वैसे ही घमंड हो गया कि मैंने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, मेरा तो आपके आगे मेरा विराट रूप कुछ भी नहीं है, आप कृपा करो तो मैं आपको पहचान सकूं। इसका आशय क्या है? इस उपासना में प्रिया प्रीतम में क्षण का भी अंतर नहीं है, ये राधावल्लभी सिद्धांत का प्राण है। इसी का संकेत सेवक जी महाराज ने किया कि छिन एक कब हूं अंतर होई, प्राण सु एक देह है दोई। इनका जो संबंध है ये संबंध कैसा? बोले जैसे प्राण का और देह का संबंध होता है, प्राण से देह को जुदा नहीं किया जा सकता, देह को प्राण से जुदा नहीं किया जा सकता, इसी तरह से श्री प्रिया को लाल जी से और लाल जी को प्रिया से जुदा नहीं किया जा सकता। ये एक तत्व है, और जो इनमें से एक की उपासना करेगा, बहुत से लोग जो कृष्ण उपासक हैं उनके लिए महाप्रभु जी ने संकेत किया कि ये जो राधा नाम को छोड़कर, श्री राधा दास के दासी को छोड़कर जो अकेले कृष्ण की उपासना करते हैं उनकी वो जो उपासना है वो अधूरी है। श्री राधा सुधानिधि जी में महाप्रभु जी बोले राधा दास्यम अपास्य यह प्रयतते गोविंद संगाशया, स्वयं पूर्ण सुधा रुचे परिचयम राकम बिना कांक्षति।
बोले ये श्री कृष्ण की उपासना श्री प्रिया जी को छोड़कर करने वाला व्यक्ति ऐसा ही है, उसका प्रयत्न ऐसा ही है कि जैसे पूर्णिमा के बिना कोई पूर्ण चंद्रमा का दर्शन करना चाहे। पूर्ण चंद्रमा कब का दर्शन तब होगा जब पूनम की रात होगी, तब हमको पूरा चंद्रमा दिखेगा। आजकल भी चंद्रमा निकल रहा है लेकिन पूर्ण चरम चंद्रमा का दर्शन नहीं होगा। परसों पूर्णिमा आवेगी तब वो अपनी षोडश कलाओं से युक्त होकर चंद्रमा प्रकट होगा। तो ये जो श्री लाल जी हैं, ये लाल जी क्या हैं? लाल जी अगर देह हैं तो प्रिया प्राण हैं, और प्रिया अगर प्राण हैं तो लाल जी देह हैं। तो बोले ये दो कैसे हैं? बोले लीला करने के लिए रस के लिए ये दो हो गए। इनका जो संबंध है, इनकी जो अभिन्नता है, वो कैसी अभिन्नता है? तो एक महात्मा ने बड़ी सुंदर बात बताई। आप लोगों ने चना देखा होगा, चना, चना में क्या होता है कि चना में दो दाने होते हैं और उसके ऊपर छिलका लिपटा हुआ रहता है, छिलका। प्रिया प्रीतम का संबंध समझ लीजिए, उस चने के अंदर ऊपर छिलका लटका लिपटा हुआ रहता है। आप छिलके को अलग कर दीजिए और उस चने को लेकर दो भाग में कर दीजिए तो वो दो दाने उसमें आ जाएंगे। जब वो दो दाने आएंगे तो हम उसके लिए क्या कहेंगे? किसी से ये नहीं कहेंगे कि चना ले लो। अगर किसी से कहेंगे लेना ये चना ले लेना तो कहेगा पागल, पागल बनाता है, चना कहाँ है, ये तो दाल है। दाल एक चना के जब दो दल बन जाए तो दाल बन जाता है। और वही जब प्रेम के उस छिलके के आवरण में लिपट जाए, दो दाने मिल जाए, एक हो जाए, तो उसकी संज्ञा है चना। इसी तरह से एक प्रेम में जब ये दाने लिपटे हुए हैं, प्रिया प्रीतम सखी वृंदावन धाम, चना में तो चार दाने, हमारे दो दाने, हमारे तो चार दाने, ये जब एक जगह लिपटे हुए हैं तो उसका नाम क्या होगा? बोले उसका नाम है प्रेम। लेकिन यही जब प्रेम क्रीड़ा करने के लिए जब अपने को स्वरूप में व्यक्त करता है, तब बोले कि इसमें एक का नाम श्री राधा, दूसरे का नाम श्री लाल, तीसरे का नाम सखी परिकर और चौथे का नाम श्री वृंदावन धाम। न कोई राधा अलग है, न कोई श्याम अलग है, न सखी अलग है, न वृंदावन धाम अलग है। इनके लीला के लिए मात्र अंग अलग हैं, इनका प्राण जो है वो एक है। इसलिए सेवक जी बोले, बोले कि राधा संग बिना नहीं शान, छिनैक तबहु न अंतर होई, प्राण सो एक देह है होई दोई। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम। बोले राधा नाम के बिना श्याम कभी मत लेना। ये जो पूर्ण बनेगा, ये पूर्ण तब बनेगा जबकि दोनों का एक संग नाम लिया जाएगा। एक संग नाम इनका क्या है? राधा वल्लभ लाल, ये एक नाम है। इसमें दर्शन दो हैं लेकिन नाम एक है। तो बोले राधा संग बिना नहीं श्याम, राधा के बिना, इनके संग के बिना कभी श्याम नहीं रह सकते, श्याम के बिना कभी श्री राधा नहीं रह सकती। ये दोनों जो हैं वो एक ही स्वरूप, एक ही लीला का, एक ही भाव का की अभिव्यक्ति है, ये समझना पड़ेगा। और छिन्न छिन्न प्रति आराधत रहे हैं ये प्रिया प्रीतम, दोनों जो हैं एक दूसरे के प्रसन्न करने में, एक दूसरे को संतुष्ट करने में, एक दूसरे को आनंदित करने में जुटे हुए रहते हैं। इनका सारा जो प्रयत्न है वो इसी में लगा हुआ रहता है। तो ये राधा वल्लभ संप्रदाय का ये मूल मोटा सिद्धांत, इसी के ऊपर सारी उपासना टिकी हुई है। उसका निचोड़ सेवक जी ने ये सामने रख दिया कि राधा संग बिना नहीं श्याम,
श्याम बिना नहीं राधा नाम छिन छिन प्रति आराधत रही राधा नाम श्याम तब कहें। हाँ ये विशेषता है। विशेषता क्या है कि यहां पर पहला जो उच्चारण होगा नाम का उच्चारण वो श्री राधा का होगा, क्योंकि हमारे यहां श्री राधा चरणों की प्रधानता श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने स्वीकार की। हमारी जो उपासना है वो कृष्ण चरण प्रधान उपासना नहीं है, राधा चरण प्रधान उपासना है। और ये जो उपासना है राधा चरण उपासना ये विख्यात है, विख्यात। और राधा चरण प्रधान उपासना के कारण यहां जो भी कुछ वस्तु मिलेगी वो श्री राधा चरण कृपा से ही प्राप्त होगी। इसका एक बड़ा मार्मिक उदाहरण मिलता है, आप लोगों ने नाभाजी का नाम सुना होगा जिन्होंने श्री भक्तमाल की रचना की। तो नाभाजी के विषय में बड़े समर्थ कोटि के संत थे भक्त, और उनकी भक्तमाल को सारी संप्रदायों ने बड़े पूज्य भाव से देखा है। तो उन्होंने जितने भी भक्त चरित्र हैं उन सब का संकलन किया, और उनकी विशेषता ये थी कि जिस भक्त का स्मरण करते थे वो भक्त स्वयं प्रकट होकर और उनको दर्शन देकर अपने चरित्र को बता देता। जब नाभाजी सबका चरित्र लिख चुके, श्री हरिवंश महाप्रभु की बारी आई, उन्होंने श्री हरिवंश महाप्रभु का स्मरण किया, तो हरिवंश महाप्रभु का चरित्र उनके सामने प्रकट नहीं हुआ। बड़ा मन में विचार हुआ कि सारे चरित्र तो आए, हरिवंश महाप्रभु जी का चरित्र क्यों नहीं आया। चिंता हुई तो अपनी इस चिंता को लेकर अपने गुरुदेव के पास पहुंचे और उनसे कहा कि महाराज जी मेरे ऊपर सारे संतों ने कृपा की, मेरा क्या अपराध है जो कि हरिवंश महाप्रभु जी का मैं स्मरण मैंने किया, उनके दर्शन क्यों नहीं हुए। तो गुरु जी ने कहा कि हरिवंश का तुम अलग दर्शन करना चाहोगे तो नहीं हो सकता। क्यों? बोले कि इनका दर्शन करने के लिए श्री प्रिया जी को प्रसन्न करना पड़ेगा, जब प्रिया जी प्रसन्न होंगी तब तुम नाभा हरिवंश महाप्रभु के सर्वस्वरूप को समझ पाओ। बिना प्रिया जी की कृपा के हरिवंश महाप्रभु का स्वरूप तुम नहीं समझ सकते। बोले महाराज मैं तो जानता भी नहीं हूं प्रिया जी को कैसे प्रसन्न करूं। बोले राधा राधा नाम लो, कुछ दिन के भजन से प्रसन्न हो जाएंगे। श्री नाभाजी ने राधा नाम का जाप किया, परिणाम स्वरूप श्री प्रिया जी का दर्शन हुआ। प्रिया जी ने दर्शन देकर पूछा, नाभा क्या बात है, कैसे बुलाया। बोले महाराज मैं आपके शिष्य का चरित्र लिखना चाहता हूं, वो स्फुरित नहीं होता, आप अपने शिष्य का चरित्र बताइए, हरिवंश स्वरूप का क्या स्वरूप है। श्री जी ने कृपा करके नाभा जी को हरिवंश महाप्रभु जी का स्वरूप बताया, और जब महाप्रभु जी का स्वरूप को बताया तो महाप्रभु जी का जब स्वरूप समझ गए तो नाभा जी ने केवल एक ही वो छप्पे लिखा, बोले राधा चरण प्रधान सुदृढ़ अति राधा चरण प्रधान हाँ राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी कुंज केल दंपति तहाती करत खवासी सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट गत धारी हरि व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकत को जानी। उसमें जो परिचय दिया, इतने सब संतों का जो परिचय दिया, उसमें राधा चरण प्रधान किसी के लिए नहीं लिखा, केवल हरिवंश महाप्रभु के लिए लिखा। बोले इनकी जो उपासना है, इनकी उपासना में जो प्रधानता है वो श्री प्रिया चरणारविंद। समय खिंचता जाता है, बात बढ़ती जाती है। राधा चरण प्रधान उपासना भी काहे को रखी,
बोले इसलिए रखी कि महाप्रभु जी ने जिन लोगों ने कृष्ण प्रधान उपासनाओं को ग्रहण किया उनके अनुभव को देखा, और वो अनुभव को देखने में ये देखा कि जो जिन्होंने अपने उपास्य अपनी उपासना का आधार श्री कृष्ण के चरणों को बनाया उनको बड़ा पछताना पड़ा। वो उसे मिलकर और बिछोड़ने का इनका सहज स्वभाव। बोले भाई ये तो बड़ा काम गड़बड़ है, और ये जो कृष्ण चरण प्रधान है ना इसमें तो बड़ी भारी बाजी लगानी पड़ती है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, महाराज जी मैं ये पूछना चाहता हूं आप जिस पर पूर्ण प्रसन्न होते हो उसको, उस व्यक्ति की स्थिति क्या है, उसको आप क्या देते हो? अरे बोले अर्जुन क्या चक्कर में पड़ा, क्या प्रश्न पूछता है, हम तो मित्र हैं, तुझे कुछ चाहिए तो मांग ले। बोले नहीं नहीं महाराज, मैं आपका जो पूर्ण भक्त है, जो आपके चरणों का आश्रित है, उस पर आप पूरी तरह से प्रसन्न हो जाओ तो क्या देते हो? बोले अर्जुन जो मैं देता हूं बताने की चीज नहीं है। बोले नहीं नहीं महाराज, बताना तो पड़ेगा ताकि मैं भी आगे आपके उस उपाय को करके और आपकी पूर्ण कृपा प्राप्त करूं। बोले देख, मैं जब जिस पर पूर्ण रूप से प्रसन्न होता हूं उसको क्या देता हूं, अगर ये तुझको मैं बता दूंगा तो तू फिर मुझको मेरे पास एक मिनट नहीं खड़ा होगा, मेरी प्रसन्नता को ये आगे एक मिनट खड़ा नहीं हो सकता। बोले नहीं मेरे बताओ तो सही। बोले देख, मैं जिस पर पूर्ण रूप से प्रकट होकर प्रसन्न होता हूं उसका बिल्कुल सर्वस्व नाश कर डालता। बोले अपनी कृपा को अपने पास रख, तुम्हारे पास आए हैं नाश कराने के लिए थोड़ी आए, विकास कराने को आए, ऐसा आप क्यों करते हो? बोले इसलिए करता हूं कि जब सब तरफ से उसका जीव का संसार समझता है कि इसका नाश हो गया, लेकिन भक्त कहता है कि प्रभु ने मेरा विकास कर दिया, जो भजन में बाधक जितने भी तत्व थे उन सब से मुक्त करके एकांत एकाग्र भाव से एक निष्ठा से मुझे अपने चरणों में ले लिया, मेरे लिए तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात, बड़ी प्रसन्नता की बात। ये तो दृष्टि का भेद है, हम संसारी व्यक्ति हैं, जरा सा भी नुकसान हो जाए हम तुरंत उस ठाकुर के संग जोड़ देते हैं। हमारे 2 वर्ष पहले जयपुर में एक वैष्णव के यहाँ पधरामनी हुई, बड़े जोर का उत्सव हुआ, और संयोग की बात 1 महीने के बाद में उसका जवान भाई पधार गया एक्सीडेंट में। सब लोग जाके बोले वो तुम्हारे गुरुजी का आना बड़ा अशुभ हुआ। हमने कहा 1 महीना ये पधरामनी न करता, और तो ये गारंटी थी कि इसका भाई नहीं मरता, ये सब व्यर्थ की बात है, व्यर्थ की। हम कोई मांगलिक कार्य करें उसमें कोई विघ्न आ जाए उसमें कृपा को जोड़ दें, ये बात उचित नहीं धम है। हमारे यहां आप लोग वृंदावन में आए होंगे, शाह जी का मंदिर देखा होगा, टेढ़े खंबे वाला, वो जो उसके स्थापक थे ललित किशोरी जी, बड़े भक्त। जिस दिन उन्होंने बसंत पंचमी के दिन अपने इस मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान किया, बड़ा वैभवशाली मंदिर है, जिस दिन उनको ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ब्राह्मणों का सब भोजन हो गया सब, शाम को 5 बजे ललित किशोरी जी के जवान लड़के की मृत्यु हो गई। एक ही लड़का था, जवान लड़के, संसार क्या कहे। ललित किशोरी जी, ठाकुर जी बड़े अशुभ बैठे, पंडित ने मुहूर्त नहीं निकाला, और ठाकुर जी ने के बैठते ही और तुम्हारे जवान लड़के की मृत्यु हो गई, आपको पुत्र शोक हो गया। ललित किशोरी जी ऐसे दहाड़े, सिंह दहाड़ता है, क्या बोलता है, पुत्र शोक हो गया, आज ये मंगलमयी घड़ी में शोक शब्द बोलता है। बोले इससे ज्यादा शोक क्या होगा कि तुम्हारा जवान लड़का मर गया। बोले मेरा लड़का मरा नहीं, मेरा लड़का तो जी गया।
मेरा लड़का जी गया, और इस लड़के की जिसको तुम मृत्यु कह रहे हो इसका एक महामहोत्सव मनाया जाएगा। बोले लड़का जी गया? बोले हां जी गया। हर पिता के मन में एक भावना होती है कि मेरा पुत्र मुझसे ज्यादा उन्नति करे और मेरा पुत्र मेरी आंखों के सामने उन्नति करे, चाहे मैं कर सकूं न कर सकूं, लेकिन मेरा लड़का मेरा पुत्र उन्नति करे। तो मैं मेरे पिता की आत्मा आज कितनी प्रसन्न हो रही है, मेरे पिता की आत्मा आज कितना आनंद अनुभव कर रही है, गर्व अनुभव कर रही है कि मेरे लड़के ने मेरे सामने उन्नति कर ली। महाराज क्या पागलपने की बात करते हो, आपके लड़के ने आपके सामने क्या उन्नति की? बोले उन्नति ये कि मैं चाहता था कि मेरा लड़का उन्नति करे, तो श्री जी ने ऐसी कृपा की, हम लोग यहां वृंदावन में जो आए अपने परिवार को लेकर एक लक्ष्य को लेकर आए थे कि किसी न किसी तरह से हमारा ये देह हमारा ये शरीर श्री वृंदावन की रज में मिल जाए, और हमारे सारे परिवार को श्री वृंदावन की रज की प्राप्ति हो जाए। हम तो प्रतीक्षा ही करते रह गए, लेकिन मेरे लड़के ने मेरे पुत्र ने मेरे सामने वृंदावन की रज को प्राप्त कर लिया, और इसे क्या चाहिए? भरी जवानी में प्राप्त कर लिया, श्री जी को इसकी सेवा की बहुत गहरी आवश्यकता होगी। ये वृंदावन की सारी उपासना रज का खेल है भैया, रज का। हमारे यहां किसी की मृत्यु होती है, चार रसिक जन कंधे पे उठाकर रास मंडल के वहां ले जाकर जो वट वृक्ष सेवक जी महाराज का है वहां पर स्थापित कर देते हैं, और जितने लोग साथ चलते हैं वो सब एक एक चुटकी रज को उठाकर उसके ऊपर डालते हैं और एक वाक्य बोलते हैं, वृंदावन पायो तिन पायो, तिन पाए वो कहा रहे कर्म तिन तिन पाए वो कहा गयो, जिन्होंने वृंदावन को प्राप्त किया उनको शेष कुछ पाना शेष नहीं रहता। तो ये जो श्री जी की यहाँ की जो उपासना है, सेवक जी ने जिसका संकेत किया, उसका जो मूल मर्म है, वो मूल मर्म कहाँ है? उसका मूल मर्म है कि श्री कृष्ण चरणार बिंद, इसमें ऐसी अनेक समस्या, महाप्रभु जी ने कहा कि ये दौड़ाता है, ब्रजगोपियों को रुलाया, सखाओं को रुलाया, मथुरा गया तो कुब्जा को डुबाया आया, द्वारिका गया तो वहां की स्त्रियों को डुबाया आया, इससे जो प्रेम करेगा वो रोवेगा, मोटी सी बात है। तो बोले महाप्रभु जी ने कहा कि ऐसा है कि इसको खूंटे से बांध दो, जैसे कोई चंचल पशु होता है ना, तो उसको खूंटे में बांध दिया जाता है। वो क्या मतलब? बोले अब ये इधर उधर नहीं जा सकता। तो बोले ऐसे ही जो कृष्ण इधर उधर न भटके इसको खूंटे से बांधो, बंधन में डाल दो। बोले बंधन क्या है? बोले वो बंधन है श्री प्रिया का रूप। महाप्रभु जी ने उठाकर प्रीतम को लाल जी को प्रिया के रूप में से बांध दिया। बोले इसका मतलब? बोले इसका मतलब ये है कि और अपने को श्री जी के दासत्व में पड़ गया। बोले अब ये है कि सारी दुनिया तो तुम्हारे पीछे भगती है और तुम हमारे पीछे भगो। अगर अपने पीछे लाल जी को चलाना है सखी भाव धारण कर लो, इनको वश में करना है, एक ही वस्तु है, एक ही मंत्र है, एक ही वस्तु है जिससे तुरंत वश में हो जाएगा। वो क्या है? महाप्रभु जी सुधा निधि में बोले, बोले यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण अनंत शक्तिम तम राधिका चरण वेण मनुस्मरण। बोले जो वृंदावन की रज को लेकर और लाल जी के ऊपर डाल दो, इस रज को उनके ऊपर अंग में पड़ते ही वो हमारे पीछे पीछे दौड़ने लगे। इसलिए इतना पक्षपात तो जरूर है कि यहां जो भी कुछ होता है वो सब प्रिया के लिए होता है।
लाल जी के बड़प्पन को प्रीति के कारण सखियां स्वीकार नहीं करती। जब दोनों की होड़ की बात आती है तो बांक जो निकालती है वो लाल जी की तरफ निकालती है। श्रृंगार का दर्शन करने के बाद सखियां दर्पण दिखा रही हैं। दोनों की दृष्टि पड़ी। सखियों ने पूछा कि महाराज जी, दोनों की बेसर बहुत सुंदर। अच्छा, बोले दोनों की बेसर बहुत सुंदर। दोनों बड़े प्रसन्न हो गए। दोनों का मुखचंद्र दर्पण में एक दूसरे का प्रतिबिंब देख रहे हैं। प्रिया ने लाल से पूछा, प्रीतम, हमारी तुम्हारी दोनों की बेसर में से कौन ज्यादा सुंदर है, मेरी कि तुम्हारी? लाल जी बोले कि मेरी। प्रिया जी बोली कि मेरी। जब दोनों में विवाद हो गया, होड़ मच गई, निर्णय कौन करे, न्यायाधीश कहां से लामे जो निर्णय करे कि कौन की बेसर सुंदर है। ललिता जी से पूछा, ललिता, हम दोनों में से बेसर कौन की सुंदर है? ललिता बोली कि दोनों की। कोई दोनों से काम नहीं चलेगा, दोनों में से किसकी सुंदर है ये बोल। बोले महाराज जी, बेसर तो आप दोनों की बड़ी सुंदर, क्या जगमगा रही है, सारी नासिका जो है बेसर के नृत्य से झिलमिला रहा है, बेसर तो दोनों की सुंदर है। लेकिन बोले, फिर भी लेकिन रह गया, लेकिन क्या? बोले बेसर लाल जी की भी बड़ी सुंदर और रिया जी की भी बड़ी सुंदर, लेकिन जो बेसर की झुकन है ना, वो प्रिया जी की ज्यादा है, इसलिए तुमसे ज्यादा सुंदर है। ये रस का विवाद है, ये प्रेम का विवाद है जो हृदय में आनंद का संचार करता है। तो सखियां, वो लाल जी कहेंगे कि सखियों, तुम हमसे तो कुछ बात ही नहीं करती है। बोले हम तब जितना प्रेम प्रिया जी को करते हैं उतना ही तुम्हें करते हैं, लेकिन जब महाराज पहले क्या जब बात आती है तो पहले प्रिया पीछे ना। तो बोले राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन छिन प्रति आराधत रहे ही, राधा नाम श्याम संग श्याम तब कहें, ललिता दिकन संग सुचि सचु पावे, श्री हरिवंश सुरत रति गावे। ये जो नित्य जोड़ी श्यामा श्याम की है, ये ललितादिक अष्टादिक जो नित्य सखियां हैं, इनके संग में नित्य प्रति इनके द्वारा ये जोड़ी सेवित होती है, इनके द्वारा ये जोड़ी लालित पालित होती है, और स्वयं जो है वो इनसे सुख प्राप्त करती है, इनको सुख प्रदान करती है। बोले श्री हरिवंश गिराजस गाये, श्री हरिवंश रहत सत पाए, श्री हरिवंश नाम पर संगा, श्री हरिवंश गान इक संगा, मन क्रम बचन कहो नित तेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे, सेवक श्री हरिवंश ही गावे, श्री हरिवंश नाम रति पावे। बोले के श्री हरिवंश गिरा जस गाए, श्री हरिवंश रहत सच पाए, जो भी रसिक जन श्री हरिवंश की वाणी का गान करते हैं, इस वाणी का श्रवण करके हरिवंश महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। श्री हरिवंश नाम पर संगा, श्री हरिवंश के नाम के प्रसंग की जहाँ चर्चा होती है, जहाँ श्री हरिवंश का नाम और वाणी का एक संग गान होता है, उससे श्री हरिवंश महाप्रभु को अत्यंत प्रसन्नता होती है। अपनी निष्ठा के विषय में कहते उल्लेख कर रहे हैं अपनी निष्ठा का। बोले मन क्रम वचन कहो नित तेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। बोले मैं अपने वचन को, अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने कर्मों को, सबको एक करके एक घोषणा करता हूं कि श्री हरिवंश ही मेरे प्राणों का धन है। हरिवंश है तो मैं धनी हूं, हरिवंश नहीं है तो मैं निर्धन हूं। सेवक श्री हरिवंश ही गावे, श्री हरिवंश नाम रति पावे। ऐसा जो हरिवंश महाप्रभु का विमलतम चरित्र है, उस मंगलमय चरित्र का मैं गान करता हूं, और इस वाणी के हरिवंश महाप्रभु की कृपा से उनके नाम के प्रति
अपनी प्रीति को मैं प्राप्त करता हूँ, ये उनके एक संकेत हैं। तो सेवक वाणी जी के चतुर्थ प्रकरण का पहला भाग इस समय चर्चा हुई। दूसरे भाग की चर्चा वो मैं ज्यादा जटिल है, लेकिन हो ही जाएगी ऐसा लगता है। वृंदावन में दो चार दिन अगर बुखार आ जाए तो समझना चाहिए कि चार योनियां खत्म, इतना हमारा जो आगे का भोग्य है ये खत्म, ये सब मंगल के लिए है। तो बोले कि श्री वृंदावन भूमि बखानो, श्री हरिवंश कहीते जानो। मैं उस वृंदावन धाम का के स्वरूप का मैं वर्णन कर रहा हूं जिस वृंदावन को श्री हरिवंश महाप्रभु ने बताया। हमारी ये जो प्रिया प्रीतम की जोड़ी है, ये प्रिया प्रीतम की जोड़ी इस भूतल पर विराजमान है, लेकिन इसका दर्शन करने के लिए नेत्र चाहिए, इसका दर्शन करने के लिए भाव चाहिए, इसका दर्शन करने के लिए एक हृदय में ऐसा एक छटपटी होनी चाहिए जिससे कि श्री जी को विवश होकर दर्शन देना पड़े, उनकी कृपा होनी चाहिए। कृपा होती है तो बड़े बड़े को नहीं हो पाता दर्शन, और एक साधारण व्यक्ति को हो जाता है। हमें एक इसका एक अनुभव है, श्री जी में झूला का उत्सव होता है और राधा वल्लभ लाल झूला में बैठकर झूलते हैं। वो जो झूलती हुई राधा वल्लभ लाल की छवि है वो इतनी मनोहारी होती है कि एक बार वो छवि नेत्र के सामने आ जाए तो आंखों को बांध डालती है, फिर वो कुछ और देखने की इच्छा नहीं होती। तो हम श्री जी के मंदिर में झूला का दर्शन करने के लिए गए, 10-5 बरस पहले की बात है, लेकिन वो दृश्य आज भी आंखों के सामने से जाता नहीं है। पूर्णिमा का दिन था, आखिरी झूला पीछे समाज हो रहा था और श्री जी ने हरी पोशाक धारण कर रखी थी, हरी पाग धारण कर रखी थी, मुकुट कटकाचनी। और जब राधा वल्लभ झूलता है ना तो उसकी जो फूलन है वो फूलन उसकी अंग में समाती नहीं है, क्योंकि सच्चे में राधा वल्लभ ही झूलता है और तो सब डंडियां झूलती हैं, लेकिन झूला में बैठकर राधा वल्लभ ही झूलता है। पीछे समाज हो रहा था, बड़ा मार्मिक पद है जो पूर्णिमा के दिन बोला जाता है, उसमें कान उसका श्रवण कर रहे थे, नेत्र ठाकुर को देख रहे थे। हमारे सामने दो गांव के लोग खड़े हुए तो एक गांव का व्यक्ति अपने साथी से बोला, देख देख देख। उसने कहा, क्या दिखा रहा है? बोले, आंख देख, आंख देख। वो बेचारा कुछ समझा नहीं, किसकी आंख दिखाता है, क्या करता है। अब वो गांव का आदमी था तो जोर जोर से बोले, वो बार बार बस एक ही बात कहे, देख देख, आंख देख, आंख देख। हमने भी उसकी बात कानों में पड़ी, समाज में थोड़ा विघ्न पड़ा तो एक मन में क्षोभ सा हुआ, लेकिन दर्शन मंदिर में दर्शन करने वाला दर्शनी उससे कह नहीं सकते थे कि तू चुप हो जा, समाज हो रहा है। लेकिन क्या दिखाना चाहता है ये बात समझ में न बैठी। मनुष्य का मन कहां जाता है? मन मनुष्य का मन नीचे की तरफ जाता है। हमने कहा कि कटहरे पर ये स्त्रियां खड़ी हैं यहां पर, शायद अपने साथी को किसी एक स्त्री की आंख दिखा रहा है कि इस स्त्री की आंख कितनी सुंदर है, इसको देख। तो मन में एक क्षोभ सा हुआ कि मंदिर में खड़ा हुआ है और फिर भी स्त्री की आंख देख रहा है, बिल्कुल गमाक, ये अंदर का उद्गार। जब वो उसके साथी ने बार बार ये सुना, आंख देख आंख देख, तो वो झल्ला के बोला, अरे कौन की आंख देखूं, बता तो सही किसकी आंख दिखा रहा है। बोले, ठाकुर जी की आंख देख देख, ठाकुर जी की आंख देख, ठाकुर जी की आंख चल रही है। सारी धारणा बदल गई। श्री जी के सम्मुख जब दृष्टि गई तो लगा कि जब वो हिंडोला लेते हैं तो झुलाने की स्थिति क्या है कि डंडी पकड़कर उनको झुलाया जाता है, एक व्यक्ति डंडी को पीछे करता है, फिर
फिर वो आगे करता है इस तरह से झूलने की एक प्रक्रिया है। तो जब श्री जी पीछे से आगे आवे तो नेत्र खुल जाए, और जब आगे से पीछे जाए तो वो पलक मुद जाए। सहज भाव से वो जो छवि का राधा वल्लभ लाल का दर्शन किया, 60 वर्ष की उम्र हो गई, ऐसी न छवि कभी दिखी। हर एक बार झूला में हम दर्शन करने जाते हैं और चेष्टा करते हैं कि वो झूलती हुई, वो पलक उठती हुई, पलक गिरती हुई दर्शन हो जाए, लेकिन नहीं हुई। एक साधारण से गांव के व्यक्ति ने दर्शन कराया, मन में बड़ा धिक्कार। हम अपने को अधिकारी समझते हैं, हम अपने को गुसाई समझते हैं, हम अपने को इस ठाकुर का मालिक समझते हैं कि ये हमारा ठाकुर है, पाठ करते हैं। हमको श्री जी ने कभी नहीं दिखाया, लेकिन एक अपरिचित को जिसका इस राधा वल्लभ से कोई लेना नहीं देना नहीं, एकमात्र दर्शनी के रूप में आया और उसको इतनी बड़ी वस्तु उसको प्रदान कर दी कि उसका जीवन निहाल हो गया। उसकी कृपा से हमको एक ऐसा दृश्य देखने को मिल गया। तो ये क्या है? ये वृंदावन की कृपा का स्वरूप है। कृपा जाने किस पर हो जाए, कैसे हो जाए, कहां हो जाए, ये इसका कोई सीमा नहीं है। कृपा का कोई कारण नहीं है। क्यों कृपा की? बोले मर्जी थी इसलिए कृपा कर दी। तुम पूछने वाले कौन? कृपा के ऊपर कोई प्रश्न नहीं होता। तो महाप्रभु जी ने कहा कि मैंने उस वृंदावन का गान किया है जिस वृंदावन को कि श्री हरिवंश महाप्रभु ने बताया, और महाप्रभु ने यही बताया कि यही वृंदावन है, यही वृंदावन। इस वृंदावन में जाकर कभी इसके प्रति भेद की बुद्धि मत रखना कि ये वृंदावन वो नहीं है जो वाणियों में पढ़ते हैं, ये कोई दूसरा है। अगर ये दूसरे का भाव रखा तो फिर वृंदावन जाने का मतलब मात्र किराया भाड़ा खर्च करना, खाना पीना है, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं। और जो प्रिया प्रीतम की जोड़ी है, इसके लिए भी हमको कहीं मरने की जरूरत नहीं है। ये हमारे सामने राधा वल्लभ लाल को खड़ा कर दिया। महाप्रभु जी ने एक पद में बड़ी मार्मिक बात कही कि चतुरासी जी में बोले आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी। बोले आज श्री वृंदावन की अत्यंत सुंदर कुंज में नवल प्रिया नवल लाल खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे, रास विलास कर रहे। आज निकुंज मंजु में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी। बोले अति अनुपम अनुराग परस्पर सुनि अभूत भूतल पर जोड़ी। बोले मेरी ये जो जोड़ी है राधा वल्लभ लाल की, ये भूमि पर विद्यमान जोड़ी है, ये कोई आकाश में नहीं है कि इसके लिए कोई दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसी जन्म में इसी मनुष्य शरीर को रखते हुए इस जोड़ी का दर्शन कर सकते हैं और इस उनके धाम का दर्शन कर सकते हैं। तो इस उसका संकेत करते हुए सेवक जी ने ये घोषणा की कि श्री वृंदावन भूमि बखानो श्री हरिवंश कहेते जानो। श्री हरिवंश गिरारस सूधी कछु नहीं कहो आप नी बूधी। ये जो श्री हरिवंश की गिरा कहते हैं वाणी को, बोले ये जो हरिवंश की वाणी है, ये वाणी ऐसी विचित्र ऐसी रसमयी है कि सीधी रस की तरफ ये चलती है। और मैं इसके विषय में जो भी कुछ कह रहा हूं उसमें मेरी अपनी बुद्धि का योगदान कुछ भी नहीं है, मेरी मिलावट नहीं है। जो कुछ व्यास नंदन ने अपनी वाणी के विषय में, इसके स्वरूप के इनके विषय में मेरे हृदय में भाव को प्रकट किया है, मैं उसी को तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। श्री हरिवंश गिरारस सूधी कछु नहीं कहो आप उन्हीं बूधी। श्री हरिवंश कृपा मति पाऊं तब रसिकन को गाय सुनाऊं। ये मर्म की बात। श्री हरिवंश कृपा मति पाऊं, यही प्रार्थना करना। प्रभु ऐसी कृपा करो व्यास नंदन कि हमारी बुद्धि आपने जिस रस को कहा है उसको समझ ले, उसको जान जाए। बोले कि तुम अपनी बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे अपने प्रयत्न से इसको नहीं जान सकती। बोले नहीं जान सकती, कारण कि मेरी बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं है कि इस वृंदावन के स्वरूप को,
श्री हरिवंश महाप्रभु ने जिस उपासना की बात कही है उसको मेरी बुद्धि जानना तो बहुत दूर की चीज है, उसके पड़ोस में भी जाके बस जाए ये भी मेरे क्षमता की बाहर है। श्री हरिवंश कृपा मति पाऊं। जब व्यास नंदन की कृपा होगी, उनकी कृपा से हमको सुबुद्धि मिलेगी। सेवक जी ने बार बार इस बात को सावधान किया है, क्योंकि देखिए हमारी जो बुद्धि है, हमारी बुद्धि अस्थिर है, अस्थिर। इसमें चाहे हम कितना ही सत्संग करें, कितना ही सत्संग सुने, लेकिन वो हमारी बुद्धि सुन तो लेती है लेकिन पकड़ नहीं पाती, उसके मर्म को नहीं पकड़ पाती। बोले सत्संग सुना? हां सुना। कैसा लगा? बड़ा आनंद आया। घंटे दो घंटे कहां निकल गए पता नहीं चला। बोले आज सत्संग में क्या क्या बात कही थी? बोले कुछ उन्होंने उदाहरण दिए थे और कुछ किताबों के पद श्लोक बोले और खत्म हो गया। बोले तुमने तुम्हें ये मालूम नहीं सत्संग में क्या बात कही गई? बोले बात बात तो कुछ समझ में बात बैठी नहीं, बस ये था। हाँ बोलते बहुत अच्छा है इसलिए सुनने जाते हैं। हमने सत्संग सुना भी है, हमने सत्संग में समय भी दिया है, लेकिन उस सत्संग का जो तत्व है, उसका जो सार है, बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर पाई। तब ये प्रार्थना करनी पड़ेगी कि आप जैसे कृपा करके सत्संग में बुलाते हैं, ऐसे हमको समझ भी दो कि इसमें क्या कहा गया, इसको हम समझ सकें। इसलिए सेवक जी महाराज बोले श्री हरिवंश कृपा मति पाऊं, कि बार बार कृपा को मनाया है। पहले प्रक्रमण से सेवक जी महाराज बोले देह सुबुद्धि कृपा करी मोहि। व्यास नंदन मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मेरी ये जो बुद्धि है ये सुबुद्धि बनकर और आपके मर्म को, आपकी उपासना को, आपके धर्म को समझ सके, ऐसी सुबुद्धि प्रकाश का प्रकाश करो। यहां कह रहे हैं श्री हरिवंश कृपा मति पाऊं। बोले तब रसिकन को गाय सुनाऊं, मुझको श्री हरिवंश महाप्रभु ने जो सुमति दी और सुमति देकर जो अपनी उपासना को, अपने धर्म को, प्रिया प्रीतम के रस को, उनके प्रेम को, उनकी लीला को मेरी बुद्धि में जो उन्होंने प्रदान किया, उस कृपा से प्रदत्त जो उनकी धरोहर है वो मैं इन सब रसिक जनों को, आप सब रसिक जनों को बता रहा हूं। बोले कि कैसा क्या धरोहर है? आगे फिर बोले, इसी बात की पुनरावृत्ति की है। बोले श्री हरिवंश जो श्री मुख भाखी, सोबन भूमि चित्त में राखी, हो लघुमति नहीं लहो प्रमाना, जानत श्री हरिवंश सुजाना, नव पल्लव फल फूल अनंता, सदा रहत ऋतु शरद बसंता, श्री वृंदावन सुंदर पाताई, श्री हरिवंश नित्य प्रति गाई। ये वृंदावन के स्वरूप का, जिस वृंदावन का हम भजन करते हैं, जो हमारा उपास्य श्री वृंदावन है, उसका स्वरूप क्या है, इसका एक संकेत सेवक जी दे रहे हैं कि श्री हरिवंश जो श्री मुख भाखी। बोले श्री हरिवंश ने जिस वृंदावन को का वर्णन अपने श्रीमुख से किया है, उसी उनके द्वारा बताई हुई भूमि को मैंने अपने चित्त में रख लिया। श्री हरिवंश जो श्री मुख भाखी, सोबन भूमि चित्त में राखी। बोले श्री हरिवंश ने किस वृंदावन की भूमि का बखान किया, किस वृंदावन की भूमि का दर्शन कराया, तो इसका उल्लेख मिलता है श्री चतुरासी जी में। चतुरासी जी में महाप्रभु जी ने श्री वृंदावन के स्वरूप का दर्शन कराया है। ये जो हमारी होली का पद है, ये होली के पद के प्रारंभिक जो 6-7-8 पंक्तियां हैं, वो सारे का सारा श्री वृंदावन के स्वरूप का दर्शन है। और हम समझते हैं कि अपनी वाणी जी में श्री हरिवंश महाप्रभु ने इतना स्पष्ट और विशद जो वर्णन है, ये श्री वृंदावन का अन्य किसी पद में इतने विस्तार में नहीं मिलता।